नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, इंडिया वॉइस देख रहे हैं आप। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। आज पटना के दौरे पर हैं यशवंत सिन्हा। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, आज पटना के दौरे पर यशवंत सिन्हा। विपक्षी पार्टी के राष्ट्रपति उम्मीदवार हैं यशवंत सिन्हा। यानी कि महागठबंधन के सभी नेताओं से आज वो बैठक करेंगे। पटना के मौर्य होटल में 3 बजे ये मीटिंग होगी। संयुक्त विपक्ष के राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा आज बिहार आ रहे हैं। अपने पटना दौरे पर वो महागठबंधन के विधायकों के साथ राष्ट्रपति चुनाव को लेकर चर्चा करेंगे और अपने पक्ष में वोट की अपील करेंगे। इस दौरान बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और महागठबंधन के सभी नेता मौजूद रहेंगे। हालांकि महागठबंधन में शामिल सभी दलों ने राष्ट्रपति चुनाव में यशवंत सिन्हा को समर्थन देने का पहले ही ऐलान कर दिया है। जानकारी के अनुसार यशवंत सिन्हा के पटना आगमन पर महागठबंधन के कई नेता पटना एयरपोर्ट पर उनका स्वागत करेंगे। आपको बता दें कि एनडीए की तरफ से उम्मीदवार हैं द्रौपदी मुर्मू और दूसरी तरफ यानी कि विपक्ष की तरफ से उम्मीदवार बनाए गए हैं यशवंत सिन्हा। अब ऐसे में वो विपक्षी पार्टियों के नेताओं के साथ आज मीटिंग करेंगे। इसी के तहत वो बिहार दौरे पर हैं। पटना के मौर्य होटल में ये मीटिंग होगी जिसमें वो सभी नेताओं से अपने पक्ष में वोट करने की अपील करेंगे ताकि राष्ट्रपति का चुनाव वो जीत सके। अब राष्ट्रपति के चुनाव में महज 2 दिन बीच में है। 18 जुलाई को मतदान होना है। अब ऐसे में भी अभी तमाम चीजें हैं। अगर अंकगणित के हिसाब से देखा जाए तो जहां एक तरफ एनडीए के सहयोगी और एनडीए की तरफ से उम्मीदवार बनाई गई द्रौपदी मुर्मू, तो वही कुछ विपक्षी पार्टियां भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने के लिए तैयार हैं। इस तरह की खबरें भी निकलकर सामने आ रही हैं, जैसे जेएमएम भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन करने की बात कह चुकी है। इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता रजनी शर्मा जुड़ गई हैं। रजनी, आज राष्ट्रपति उम्मीदवार यशवंत सिन्हा पटना आ रहे हैं और विपक्ष के नेताओं के साथ वो मुलाकात करेंगे, क्या कुछ तैयारियां, क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए, यशवंत सिन्हा के आने की खबर पहले से थी और जब इनके आने का समय निर्धारित हुआ था उस समय महागठबंधन में तमाम जो दल हैं, इनफैक्ट कांग्रेस भी उनके साथ ही, आरजेडी, कांग्रेस और वाम दल के लोगों ने एक बैठक करी थी और उस बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया था कि यशवंत सिन्हा आएंगे, उनका यहाँ पे स्वागत किया जाएगा। और ठीक उसी तरह आज यशवंत सिन्हा आ रहे जैसे द्रौपदी मुर्मू आई थी और पटना के मौर्य होटल में 3 बजे तमाम विपक्षी नेताओं से वो उनकी मुलाकात होगी। अपनी दावेदारी के लिए वो तमाम लोगों से मिलेंगे, उनसे रूबरू होंगे और उन्हें अपने पक्ष में वोट करने के लिए वो अपील करेंगे। जी, आखिर कौन कौन से नेता इस बैठक में शामिल होंगे? देखिए, जिस दिन ये आने की घोषणा हुई थी उस दिन नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव और जो तमाम वाम दल के नेता थे और उनके साथ साथ कांग्रेस के जो लीडर थे वो तमाम लोग इसमें शामिल थे। तो उम्मीद की जा रही है कि आज भी तमाम वाम दल, कांग्रेस और आरजेडी के लोग इस जो इनकी बैठक है उसमें शामिल होंगे। आखिर जिस तरह से तमाम चीजें अभी भी निकलकर ये सामने आ रही है कि कुछ विपक्षी पार्टियां हैं जो द्रौपदी मुर्मू का समर्थन करने की बात कह रही है, ऐसे में अंकगणित क्या कहता है राष्ट्रपति चुनाव को लेकर यशवंत सिन्हा की तरफ से? द्रौपदी मुर्मू चूंकि जिस जाति से आती है उसमें लोगों को एक खास तौर पे, अगर राजनीतिक ध्रुवीकरण कहे तो एक खास तौर पे लगाव रहता है। तमाम लोग उनके पक्ष में जरूर थे लेकिन वहीं जब विपक्ष ने अपनी दावेदारी पेश की और यशवंत सिन्हा आए तो एक बार फिर से शुरू हो गई है उनकी यहाँ पे लोगों को कन्विंस करने की जो नियम होते हैं उसके तहत वो आज पटना आ रहे हैं और यहाँ पे वो तमाम विपक्षी दल से मिलेंगे। ये मत किसका किस पक्ष में होगा ये अभी कहना मुश्किल है क्योंकि
ये जो चुनाव है और इस चुनाव में जो अपनी मत पेटी में अपनी मतों को डालेंगे, इसे पूरी तरह से अभी लोगों ने सार्वजनिक नहीं किया है। लेकिन ज्योति, जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू यहाँ आई थी और विपक्ष ने भी खुलकर उनका स्वागत किया था, तो ये कह सकते हैं कि विपक्ष ने खुले दिल से उन्हें भी स्वीकारा था। अब ये तय करना उनकी खुद की पर्सनालिटी है कि किसे वो चुनते हैं राष्ट्रपति पद के लिए। शुक्रिया रजनी आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए। मोकामा के बाहुबली विधायक अनंत सिंह की विधानसभा सदस्यता समाप्त कर दी गई। अनंत सिंह के घर से AK-47 और हैंड ग्रेनेड मिलने के मामले में MP-MLA कोर्ट के द्वारा 10 साल की सजा सुनाई गई, जिसके बाद विधानसभा ने उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की अधिसूचना जारी कर दी। इसके साथ ही मोकामा से 5 बार लगातार जीतने के बाद अब उनकी माननीय की कुर्सी छिन गई है। वहीं अनंत सिंह के विधायकी जाने से राष्ट्रपति राष्ट्रीय जनता दल को भी झटका लगा। अब RJD के विधायकों की संख्या 80 से 79 हो गई है। यानी कि जहां लगातार एक तरफ AIMIM के विधायकों को शामिल करने के बाद इस आंकड़े को छुआ और साथ ही एक मजबूती की तरफ कदम RJD बढ़ा रही थी, वहीं विधानसभा के द्वारा बाहुबली अनंत सिंह की सदस्यता को खत्म करने के बाद एक झटका RJD को भी लगा है। जहां उसकी सीटें उसके पास मजबूत आंकड़ा 80 का था, वो अब घटकर 79 हो चुका है। 10 साल की सजा सुनाई गई है। इस खबर पर हमारे साथ हमारी संवाददाता रजनी शर्मा फोन लाइन पर जुड़ गई हैं। रजनी, अनंत सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई, RJD को एक बड़ा झटका इसको माना जा सकता है? बिल्कुल, देखिए अनंत सिंह की सदस्यता रद्द होते ही RJD जो बड़े संख्या बल में था, 80 की संख्या थी उनकी, वो सीधे घटकर 79 पे वो पहुंच गए। और कह सकते हैं कि RJD के लिए भी एक झटका है, क्योंकि बाहुबली अनंत सिंह काफी कद्दावर माने जाते थे और जिस तरह से उनपे MP-MLA कोर्ट में AK-47 और हैंड ग्रेनेड उनके घर से निकलने को लेकर उनपे जो कार्रवाइयां चल रही थी, उन्होंने जब 10 साल की सजा सुनाई थी उसके बाद से विधानसभा में उनकी विधायकी समाप्त किए जाने की लगातार अपील की जा रही थी और ये अधिसूचना आज जारी कर दी गई है और घोषणा कर दिया गया है कि अनंत सिंह की सदस्यता खत्म कर दी गई। बताते चले कि अनंत सिंह मोकामा से 5 बार लगातार विधायक रह चुके थे और अब इनकी कुर्सी छिन गई है, क्योंकि इनका प्रभुत्व था मोकामा इलाके में, काफी कद्दावर थे ये और ये तय किया जाता था कि वहां पे मोकामा में पार्टियां नहीं जीतती थी कि किस पार्टी के उम्मीदवार अनंत सिंह होंगे, उस पार्टी को विजय मिलती थी। और चूंकि पहले JDU में थे और जब इन पे पहली बार कार्यवाही हुई थी तो सरकार से नाराज होकर इन्होंने JDU से इस्तीफा दे दिया था और RJD का दामन थामा था और RJD से भी इन्हें जीत मिली थी। लेकिन आज एक बार फिर से अनंत सिंह की सदस्यता हमेशा के लिए विधानसभा से रद्द कर दी गई है और ये झटका अनंत सिंह के साथ साथ RJD को भी लगी है। जी, अब ऐसे में एक तरफ जहां AIMI के कुछ विधायकों को शामिल करने के बाद आंकड़ा छुआ 80 का, अब वो घटकर 79 हो चुका है, तो इसे बड़े झटके के तौर पर देखा जा सकता है कि एक मजबूत कैंडिडेट की सदस्यता खत्म कर दी गई। बिल्कुल, खुद को बड़ी पार्टी घोषित करने के लिए कुछ दिनों पहले विधानसभा जिस दरमियान चल रहा था, विधानसभा का मॉनसून सत्र चल रहा था, उसी दरमियान जिस तरह से AIMIM के 4 सदस्यों को, 4 विधायकों को खुद में शामिल करके RJD ने दावा किया था कि बिहार की सबसे बड़ी पार्टी, चूंकि उसके पहले बिहार की बड़ी पार्टी BJP हुआ करती थी, लेकिन जब AIMIM के 4 विधायक शामिल हुए RJD में तो सबसे बड़ी पार्टी हो गई थी, लेकिन एक बार फिर उनकी संख्या बल घट गई है। तो ऐसे में RJD के लिए जरूर एक संकट आ गई है और RJD के लिए ये वाकई बहुत बड़ा झटका है, क्योंकि जहां एक तरफ संख्या बल बढ़ाने का और खुद को बड़ी पार्टी घोषित करने की बात कर रहे थे, वहीं पे इनकी संख्या घटती जा रही है। ऐसे में सवाल अब इनके लिए ये उठता है कि आखिर अब इनके लिए अगला कौन होगा जो इनकी पार्टी को मजबूती दे। जी शुक्रिया आपका रजनी हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। अब खबर लखनऊ से है, जहां डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि 100 दिन की कार्य योजना पर बैठक हुई, सीएम योगी की अध्यक्षता में यह बैठक हुई।
लखनऊ से बड़ी खबर, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने किया ट्वीट और ट्वीट कर उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 100 दिन की कार्य योजना पर बैठक हुई है और यह बैठक मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई। सरकार के 100 दिन की कार्य योजना पर बैठक, सीएम आवास पर मंत्रियों के साथ बैठक की गई और उसकी एक तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर। आज मुख्यमंत्री आवास 5 कालिदास मार्ग पर लखनऊ के यशस्वी मुख्यमंत्री लखनऊ में यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी की गरिमाई उपस्थिति में आयोजित सरकार के 100 दिन के कार्य योजना की समीक्षा बैठक में माननीय मंत्रीगणों के साथ प्रतिभाग किया। यह ट्वीट किया है डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने। खबर लखनऊ से है कि फरार ईरानी गैंग के दो बदमाश फर्रुखाबाद से गिरफ्तार कर लिए गए। 13 जुलाई को केजीएमयू ट्रामा सेंटर से दोनों फरार हुए थे। बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर, लखनऊ से फरार ईरानी गैंग के दो बदमाश फर्रुखाबाद से गिरफ्तार। 13 जुलाई को केजीएमयू ट्रामा सेंटर से हुए थे फरार। 8 जुलाई को रायबरेली पुलिस के साथ मुठभेड़ में घायल हुए थे ये बदमाश, जिनको पेशी के लिए 13 जुलाई को कोर्ट लेकर जाया जा रहा था और जहां 13 जुलाई को वो केजीएमयू ट्रामा सेंटर से फरार हो गए और इसके बाद फर्रुखाबाद पुलिस ने दोनों बदमाशों को दबोच लिया। बड़ी खबर है ये आपकी टीवी स्क्रीन पर, जहां एक तरफ केजीएमयू ट्रामा सेंटर से ये फरार हुए 13 जुलाई को, 8 जुलाई को मुठभेड़ के बाद इनको गिरफ्तार किया गया था, जिसके बाद कुछ चेकअप के आधार पर इनको ट्रामा सेंटर ले जाया गया और जहां से ये बदमाश फरार हो गए और अब दोनों बदमाशों को फर्रुखाबाद से गिरफ्तार कर लिया गया। फर्रुखाबाद पुलिस की एक बड़ी कामयाबी के तौर पर इसको देखा जा सकता है। और ये बड़ी खबर आपके टीवी स्क्रीन पर है, इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता राजू तिवारी जुड़ गए हैं। राजू, लखनऊ से फरार हुए दो बदमाश फर्रुखाबाद में पकड़े गए हैं, क्या कुछ जानकारी है इस खबर को लेकर? बिल्कुल, बता दें कि 8 जुलाई को रायबरेली में ये ईरानी गैंग के जो बदमाश थे, इनका और पुलिस और एसओजी टीम के साथ में मुठभेड़ हुआ था। मुठभेड़ के दौरान दोनों बदमाश शातिर बताए जा रहे हैं, दोनों के पैर में गोली लगी थी। गोली लगने के कारण ही जिले अस्पताल से केजीएमयू लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया था, जिसमें एक उपनिरीक्षक के साथ सात पुलिसकर्मी मौजूद थे और वहां से चकमा देकर ये फरार हो गया था बदमाश। हालांकि फरार होने के बाद ही तत्काल जो है पुलिस को जैसे पूरे मामले की जानकारी हुई, पुलिस ने अपना सूत्र लगाते हुए बदमाशों के खोजबीन में लग गई और लगने के बाद ये जो बदमाश हैं ये भागने में वहां से तो सफल हुए, लेकिन ये फर्रुखाबाद ने पुलिस के साथी सूत्रों की माना जाए तो पुलिस ने इन साथी बदमाशों को पकड़ लिया। हालांकि जो वहां पे पुलिस कर्मी मौजूद थे, सुरक्षा कर्मी लगाए गए थे, वहां रायबरेली पुलिस अधीक्षक ने सातों पुलिस कर्मियों को निलंबित कर दिया है और भी जांच के आदेश दिए हैं। सारे पुलिस कर्मियों के ऊपर बड़ी कार्यवाही की गई। जी
राजू, अब गिरफ्तार करने के बाद क्या कुछ आगे की कार्रवाई पुलिस कर रही है, कि इनको लखनऊ भेजा जाएगा, कब तक भेजा जाएगा? जी बिल्कुल, ये जानकारी हुई पुलिस अधीक्षक के द्वारा, ये जानकारी दी गई है कि दोनों बदमाश जो फरार चल रहे थे वो पकड़ लिए गए, फरुखाबाद में पकड़ा गया है। तो एसओजी टीम ने पकड़ा है वहाँ की स्थानीय पुलिस की मदद से, तो वो पुलिस वहाँ से ला रही है। अब लाने के बाद जो भी कार्यवाही होगी, अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। हालांकि अगर सूत्रों की माने तो ये सातिर बदमाशों का जो गैंग है, ये एक बड़ा गैंग है, और पुलिस अभी भी इस गैंग के बारे में पता कर रही है, एक बड़ा खुलासा करने का प्रयास कर रही है। लेकिन अभी तक जो भी मामला निकल कर सामने आया है, 7 से 8 बदमाश पकड़े गए हैं। जो पूरा गिरोह है उसको पकड़ने के फिराक में पुलिस थी, लेकिन बीच में ही जब बदमाश वहां से भाग निकले तो पुलिस ने इनको पकड़ने का जो पूरा खाका तैयार किया, उसमें कहीं ना कहीं फंसे, जाल में फंस गए पुलिस के, और पुलिस ने दोबारा पकड़ा। जी शुक्रिया राजू, आपका हमारे साथ ये तमाम बातचीत करने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। खबर अमरोहा से है, जहां अज्ञात बदमाशों ने पत्रकार मुजम्मिल का अपहरण कर लिया है। अपहरण करने के बाद 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। बड़ी खबर अमरोहा से आपकी टीवी स्क्रीन पर, अज्ञात बदमाशों ने किया पत्रकार मुजम्मिल का अपहरण, और अपहरण करने के बाद मांगी 5 लाख रुपए की फिरौती। महिला ने मोबाइल से बात करके फंसाया, मिलने के बहाने से गाड़ी में डालकर ले गए बदमाश, पुलिस ने किया मुकदमा दर्ज। थाना सैद नकली के कस्बा का यह मामला है, थाना सैद नकली के कस्बे का यह मामला, जहां बदमाश मुजम्मिल को अपहरण कर लिया गया, और अपहरण करने के बाद 5 लाख रुपए की फिरौती मांगी गई। और सबसे अहम कड़ी इसमें यह कि बताया जा रहा है कि महिला ने मोबाइल फोन से बातचीत की, मुजम्मिल को फंसाया, मिलने के लिए बुलाया गया, गाड़ी में बैठाया और उसका अपहरण कर लिया गया। इस खबर पर हमारे साथ हमारे संवाददाता मोहम्मद इमरान जुड़ गए हैं। इमरान, पत्रकार मुजम्मिल का अपहरण किया हुआ है, क्या कुछ पूरी जानकारी है? देखिए, मैं आपको बता दूं, ये कस्बा सैदनंगली थाना क्षेत्र का पूरा मामला है, जहां पर स्थानीय पत्रकार है मुजम्मिल, जिसको कुछ बाइक सवार बदमाशों ने अपहरण कर लिया है, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया। बताया जा रहा है कि महिला ने फोन पर बात की थी, जिसके जरिए महिला ने उसको फंसाया और उसको बुलाया, और उसके बाद बदमाश उसको गाड़ी में डालकर अपहरण करके ले गए। फिलहाल सारे मामले में पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और अग्रिम कार्रवाई करने की बात कही है। जी, क्या उसके परिवार वालों ने या किसी ने कुछ बताया कि वो लोग कौन थे, या किसी पर कोई शक संदेह? परिवार के लोगों से लगातार वार्ता जारी है, परिवार के लोगों ने पुलिस से गुहार लगाई। परिवार के लोगों का कहना है कि उनको उसके जो पीड़ित पत्रकार है जिसको अपहरण किया, उसके परिजनों ने साफ तौर पर कहा कि उसके अपहरण फिरौती के लिए, 5 लाख की फिरौती के लिए अपहरण किया गया। उनके पास एक फोन कॉल आया था, जिसके जरिए उनके परिवार के लोगों से 5 लाख की फिरौती मांगी गई है। जी शुक्रिया इमरान, आपका हमारे साथ तमाम बातचीत करने के लिए। बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, नमस्कार।